हेलो जी की फैमिली, तुम्हारा जी के भाई आ गया है फिर से एक नई वीडियो लेके। और हम जगह देख के समझ शायद नहीं आ रहा होगा हम कहाँ पे हैं भाई। हम आए हैं शौकीन भाई के यहाँ, मस्त मस्त चीज़ें आ रखी हैं यहाँ पे, तो देखे करके ना सारी चीज़ें दिखाते हैं सब में क्या क्या काम चल रहा है। बहुत मज़ेदार काम चल रहा है। और i20 वाले भाई आ रखे हैं, एक गाड़ी में तो भाई दरवाजे खुलने वाले लग रहे हैं, ठीक है। दूसरे वाले भैया उनकी गाड़ी में काफ़ी अच्छा काम हो रखा है, और अभी बोनट पर बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो फटाफट से वो दिखाते हैं। शॉर्ट तो आपने सबके देख लिया, आप सारे फटाफट से रिव्यू कर देंगे करके। देखो वो सबसे पहले तो ये जेन खड़ा है, इसमें पता नहीं क्या काम होना है, आई डोंट नो। उसके बाद भाई के पास ही आई हुई है नई गाड़ी। यहाँ पे एक मर्सिडीज थी भाई, वो मैंने दिखाया था, उसके पास स्पॉयलर लगना था एंड वो फुल रेडी थी, तो वो स्पॉयलर लग गया एंड वो गई। इसमें क्या काम होने आया हुआ है, इसमें क्या काम होने आया हुआ है? अच्छा अच्छा चलो, अच्छा इसमें साइड में थोड़ा बहुत ही काम है, ऐसा नहीं है पुरानी बोलो ना। बाकी इसका स्टीयरिंग काफ़ी अच्छा लग रहा है, और वो सबको पता है इसमें स्प्लिट गेट लग चुके हैं, स्प्लिट डोर क्या खतरनाक सी लग रही है आगे से। इसका भाई हैंडल बहुत प्यारा है, इतना प्यारा हैंडल लग रहा है ना। इंटीरियर तो गंद हो रखा है बट लुकिंग वेरी गुड। ओहो धूल मिट्टी भैया बहुत है इधर, सबको पता है। सेकेंडली आफ्टर दैट भाई इधर चल रहा है मर्क का काम, और इसका फ्रंट होना था तैयार। एंड सी ब्रो इतना कूल लग रहा है आगे से, काफ़ी डीप इन्होंने कर दिया है इसको, जो कि आई अग्री की नीचे अड़ सकता है, बिकॉज इसका देखा जाए तो काफ़ी कम गैप रह गया है। बट चलाने वाले पे है भैया, कैसे चलाता है। बट नो डाउट गाड़ी बहुत प्यारी लग रही है आगे से ना। साइड में भी इन्होंने वाइट बॉडी किट करवाया है, साइड से दिख रहा होगा स्कर्टिंग का काम चल रहा है, पीछे वाइट बॉडी किट एंड बैक बम्पर का जो है ना, इधर पूरा का पूरा बम्पर निकाल रखा है। देखो कुछ भी नहीं है पीछे से खोला। और जो ये भाई काम कर रहा है ना भाई, ये इसी का ही बैक बम्पर हो रहा है, इसी मर्क का हो रहा है ना ये बैक। ये आगे शौकीन भाई कहाँ, लंच पे? हाँ लंच। सही है, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। सिविक का बम्पर प्यारा लग रहा है, ये भी बम्पर है बाहर से आया। बाहर से आया? नहीं ये तो हमने बनाया है। हाँ बट इस तरह की एबीएस की किट भी आती है बाहर से। हाँ एबीएस की किट तो पूरा सेटअप आता ही है इसका, सिटी का सिविक का सबका आता है। पर ये तो पूरा आपने डिजाइन करना बम्पर एड ऑन, मतलब उसी की कॉपी है, सेम कह सकते हो, कस्टमर की डिमांड थी ये चीज चाहिए। अच्छा और आपका इसका जैसे कि मान के चलो सिविक है, इसका पूरा बोनट भी फाइबर का है, एज इट इज पूरा का पूरा। अच्छा पूरा बोनट ही फाइबर है, ये बोनट फाइबर है इसका, और ये आपका डिग्गी फाइबर है पूरी। अच्छा ऊपर काम नहीं हो रखा है, पूरा बोनट ही आपने अलग से फाइबर का बनाया है? बहुत सही, रेसिंग पर्पस के लिए। अच्छा तभी इसमें अंदर रॉड्स वगैरह लगी हुई हैं। हां ये रॉड वगैरह लगी हैं, अभी और भी बहुत काफी काम होएगा इसमें, इसलिए ऑलमोस्ट हमारा रेडी सा हो चुका। अच्छा और वैसे काफी काम है, पिछला बम्पर रेसिंग के लिए गाड़ी तैयार हो रही है भाई साहब, तो ड्रिफ्टिंग या कुछ तो होगा इसमें। अंदर तो इसमें भी पूरा काम होना है, पीछे ही एक रॉड लगी हुई है, फिर चेंज होगा, पहले बॉडी काम हो रहा है, सारी चीजें बंदा मंगा चुका। हाँ उसके बाद अब इसमें फिटिंग का सारा काम होएगा, अब यहाँ पर टिकट बनेगी, फिर उसके बाद पैंट पे जाएगी, उसके बाद इसमें अलॉय व्हील वगैरह डालेंगे, स्प्रिंग डालेंगे, लो स्प्रिंग है, इंजन की ट्यूनिंग, मतलब बहुत काफी काम है, पूरी प्रॉपर एक तरीके से तैयार कर रहा है अपना गाड़ी को। अच्छा स्पेशल फॉर रेसिंग पर्पस। अब ड्रिफ्टिंग होती है क्या? गाड़ी हाँ हाँ थोड़े ढीले कर रहे थे हमारी तरफ से हो रही थी, तो अब जाके फाइनली उसका काम होता नहीं, आजकल निकल जाएगी आजकल में चल जाएगी, पर गाड़ी सही हो गई, पूरा का पूरा फाइबर का काम, मेहनत वाला काम है, स्पेशली शेप देना, डिक्की का तो बहुत ही बड़ा वो है। हाँ पूरी फाइबर की है, डिक्की भी है, तभी तो लाइट वेट होगी, तभी भागेगी। हाँ लाइट वेट होगी तो इसका फर्क पड़ेगा। और इसका क्या, इसका सब कुछ उड़ा रखा है फ्रंट का, इसका भी इसका बता रहे थे ना, वही है ना फर्स्ट इन इंडिया वाली। हाँ इसमें काम चल रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको कुछ। हाँ यहाँ पे कुछ खतरनाक सी चीज करी है भैया ने, ये देखो होने वाला है, क्या बात है दरवाजे इसके। तो अभी इसमें स्प्रिंग और मोटर वगैरह लगनी बाकी होगी, सामान आने के बाद इसके दरवाजे, सिर्फ अगले पिछले भी नहीं, सिर्फ आगे, सिर्फ आगे आगे के, पर आगे खुलने के बाद ही बड़ी खतरनाक लगेगी, और यहाँ से सारा सामान निकला हुआ है, क्योंकि इसका बम्पर भी जो रेडी हो रहा है ना वो पूरा अलग हो रहा है, फर्स्ट इन इंडिया। अच्छा अच्छा ये पूरी बोल्टेड किट है, कभी भी खोलो इसको, अगर बंदा मतलब फ्यूचर में देखो ये चीज होती है, कभी बंदे का शौक पूरा हो जाता है, इसको अपना नट बोल्ट खोले, ओरिजिनल कब्जे लगाए, फाइनल गाड़ी। अच्छा तो कभी कोई इश्यू नहीं आएगा, काट पीट कुछ भी नहीं है, पूरा फ्रेश है, जो मतलब और किट आती है बॉडी में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ दो बोल्ट के ऊपर रखा है, प्लेट निकालो तो दरवाजा नॉर्मल, जो ओरिजिनल बोल्ट होते हैं यहाँ पे और यहाँ पे भी,
तो इसको अगर बंदा फ्यूचर में निकालना चाहे तो इजीली हो जाएगा, कोई मेहनत वाली काम नहीं है कि भाई आप बाहर से आती है उसमें चेंजेस। उसमें क्या होता है, उसमें पूरे प्रॉपर यहाँ से वो कटते हैं, जब जाके काम वो फिट होती होगी पूरी अंदर फिट होती है, तो उसमें दिक्कत ही आती है फ्यूचर में, जो शौक है कभी बंदे का पूरा हो सकता है। गाड़ी की उम्र होती है कि भाई कितने टाइम तक, बिल्कुल, तो उसमें यह है कि गाड़ी में दिक्कत आती है। अब इसमें यह है कि जैसे हमने ये लगा दी, इसको उतारना चाहे बंदा तो कभी भी इसको उतार सकता है और अपना नॉर्मल दरवाजे लगा सकता है। ये सही है भैया, ये चीज़ नहीं है, मतलब अगर किसी को कुछ हो, कोई बॉडी चेंजेस कुछ नहीं है, आपका सब कुछ सेफ रहेगा, इजी, जस्ट प्लग एंड प्ले है। और भाई फ्रंट तो पूरा खुला हुआ है इस i20 का और सब कुछ, इसका तो नया काम चल रहा है और इसका दरवाजे का काम बहुत प्यारा लग रहा है। बैक में इसकी ऑलरेडी पिछली वीडियो में दिखा चुका हूँ, किसी ने नहीं देखी तो अब भी देख सकते हैं और पुरानी वीडियो भी जाके देख सकता है, बहुत प्यारी लग रही है। इसी के साथ की i20 एक और आ रखी है भाई इधर सिल्वर कलर में, हाँ इसकी प्रॉपर एक वीडियो अलग से तैयार कर लो। अच्छा अलग डालने के लिए, चलो अलग से भी दिखाते हैं इसका फ्रंट का भी, इस क्योंकि इसके अंदर काफ़ी काम हो रखा है और ये इन्हीं की है जो खड़े हुए हैं। बाकी भाई बैक से मुझे ये भी गाड़ी बड़ी स्लीक सी प्यारी सी लग रही है, काफ़ी प्यारी गाड़ी लग रही है। बाकी ये गाड़ी इन्हीं की है तो इनकी अलग से वीडियो बनाते हैं, बिकॉज इसके अंदर भी काफ़ी काम हो रखा है तो उसके लिए आपको अलग वीडियो देखनी पड़ेगी। टायर सेक्शन भी इसका बड़ा हुआ है, कितना है टायर सेक्शन, 205 डला हुआ है और पहले तो इसमें 190 का है और अभी और बढ़ाना है, अपग्रेडेशन बाकी है भाई। इसका काम बताया था ना, इसका काम शुरू हो चुका है और इसका फ्रंट इतना खतरनाक हो रखा है ना, जस्ट सी ब्रो, इतना बढ़िया लग रहा है ना इसका फ्रंट। और अभी और एक्सटेंड होने, नहीं और ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो दिक्कत होगी। अभी इसमें वो फिनिशिंग का काम बाकी है और मैश वगैरह लगेगी, मतलब अभी ये खाली डिज़ाइन तैयार करा है हमने। अच्छा ठीक है, अभी इसका फाइनल काम बाकी है पूरा प्रॉपर। और अभी तो फ्रंट हुआ है, अभी तो पूरी गाड़ी बाकी है। बहुत प्यारी लग रही है साइड से देखो, अगर देखो ना साइड से देखो कितनी एक्सटेंड कर दी है किट वहाँ। बाकी अभी इसमें साइड में काम होगा, लैंड रोवर अभी है, इसमें तो टाइम और काम दोनों पैसा अच्छा सा लगेगा इसमें। चीज़ भी ऐसी हाँ देखो, मैं कह रहा हूँ तो कोई चीज़ कस्टमाइज करनी होती है तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि हम कस्टमाइज करते हैं, कोई कंप्यूटर से नहीं कुछ नहीं, सारा हाथ से हैंडमेड होता है काम, तो बहुत सी बार ऐसा होता है काम करते करते हमसे गलती हो जाती है, फिर दोबारा चीज़ को फिर दोबारा के बाद जब पता चलता है कि यार ये तो हमने गलत कर दिया, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिर उसको तोड़ते हैं फिर दोबारा तरीके से तैयार करते हैं, जब तक मतलब हम खुद ही इस चीज़ का कभी देखने के बाद पीछे से भी आ जाता होगा जिसकी गाड़ी है, थोड़ा सा ऐसे और कर दो। हाँ तो मतलब ये चीज़ें होती हैं कस्टमाइज की, तो फिर वो मशीन हो कंप्यूटर हो उससे प्रॉपर चीज़ें निकालने की, डायमेंशन कहाँ का लगाने हैं वो तो फिर फाइनल कोई ऐसा काम ही कमाते हैं, फोटो देख लिया उसके हिसाब से अपना अंदाजे से कर रहे हैं। और बहुत खतरनाक लग रही है पूरी होने के बाद, इसको धीरे धीरे मिलता रहेगा इसका अपडेट। वो सब वापस निकल रहे हैं शोकिन भाई के यहाँ से, और भाई गाड़ियाँ इस बार काफ़ी अच्छी अच्छी थी। i20 वाली अलग सी वीडियो बनाई है भाई, उस बंदे का जो ऑडियो सेटअप लगा हुआ है बहुत प्यारा, बेस वाला सेटअप लगा रखा है भाई ने, एंड विद बेस जो क्वालिटी आ रही है ना दैट इज टू गुड, आई मीन दैट इज द मेन थिंग, क्योंकि बेस के साथ ना लोगों के स्पीकर फट जाते हैं या कुछ ऐसा सा होता है, बट नहीं भाई के साथ ऐसा नहीं है, बहुत प्यारा काम हो रखा है। और भाई गाड़ी देखे i20 के स्प्लिट डोर्स देखे आपने, वो बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, टेरिफिक। तो भाई इन सब में जो जो अपग्रेडेशन होगी ना ये आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलने वाली है। काम इस बार आई होप सो आपको पसंद आया हुआ, और जो एक मर्सिडीज आपने लास्ट टाइम देखी थी ना जिसमें काम चल रहा था, उसमें बस स्पॉयलर था वो लगना था एंड वो फिर काम हो गया उसका एंड वो चली गई, वो ले गए भैया जिनकी थी, अब उसमें कहाँ की थी अब वो पता नहीं, तो पता करेंगे अगर कुछ जुगाड़ हुआ तो आएगी उसका क्लिप पेंटिंग वगैरह का देखते हैं। अब आई होप सो आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा हो। हम यहाँ से जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं भैया ऑफिस, हम ऑफिस भी तो करते हैं ना, साथ साथ में चीज़ें दिखाते हैं ना, तो अब यहाँ से निकलते हैं। भाई धूल इतनी हो रही है ना, नई गाड़ी मतलब नई नहीं पर हाँ कल ही धुलवाई है मैंने, साफ सुथरी हो रखी है, जब गाड़ी तो चलानी है ना रोड पर क्या करेंगे, गाड़ी चलाएंगे और क्या करेंगे, है ना भाई, गलती करिए यहाँ से उल्टा ले लेता ना सीधा सीधा पहुँच जाता मैं, पर चलो कोई बात नहीं, अब आपसे मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, और i20 की वीडियो आने वाली भाई वो जरूर देखना। अब तब तक के लिए बॉस स्टे विद योर फैमिली, लव योर फैमिली एंड पीस।